गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में गाँव में सुबह शाम पुलक सागर एक नाम एक नाम। कई पढ़े लिखे लोग हमारे इस तीर्थ में इंजीनियर होके भी 10-10 हजार की नौकरी कर रहे हैं। यहाँ बैठ करके ध्यान रखिए, ये मंदिर बना रहे हैं, नक्शे बना रहे हैं, 10-10 हजार रुपए कमा रहे हैं। हमने पूछा, क्यों रे तू इंजीनियर है, 10 हजार रुपए हम तुम्हें देते हैं, तीर्थ तुम्हें देता है, माँ बाप के लाखों रुपए में तुम इंजीनियर बने और 10 हजार रुपए कमा रहे हो। अरे तुमसे अच्छा तो हमारे यहाँ गार्डन में पानी डालने वाला भी कमा लेता है इतने पैसे। ध्यान रहे, इन डिग्रियों से क्या होगा, इन पोस्ट से क्या होगा, इन उपलब्धियों से क्या होगा। एक आदमी ने पूछा, महाराज मेरा फ्यूचर कैसा है। मैंने कहा, मैं सही बात बताऊं, मैं कोई भविष्य वक्ता तो हूं नहीं और ना मुझे कुछ ये आता है और ना मैं बनना चाहता हूं, लेकिन एक बात कह सकता हूं। बोले, नहीं फिर भी कोई कुंडली में ग्रह नक्षत्र देखो। मैंने कहा, ये भी मुझे नहीं आता है, मैंने आज तक जीवन में अपनी कुंडली नहीं पढ़ी तो तेरी कहां से पढ़ूंगा। कुंडली के अनुसार चलेंगे तो हो गया काम बेड़ा गर्क। आधे कुंवारे घूम रहे इस देश में कुंडलियों के चक्कर में, कुंडली मैच नहीं खा रही, गुण नहीं मिल रहे हैं। अब उम्र बीत गई, 35-40 साल हो गए, अब मिलाते रहो कुंडली बैठ करके, कुछ होने वाला है क्या। ये कुंडली उंडली से जिंदगी नहीं चला करती है। एक बात याद रख, मैंने कहा, तू पूछ रहा है ना कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा। मैंने कहा, एक बात बता, तू मम्मी से कैसे बात करता है, झुंझला के बात करता है, तू अपने पापा को जवाब देता है, तेरे घर में व्यवहार अच्छे हैं, बड़ों का सम्मान करता है। बोले, नहीं करता हूं। झगड़े होते हैं, बोले होते हैं, दुकान में बोले कस्टमर से भी लड़ लेता हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। तो मैंने कहा, एक बात याद रख, यदि तेरा ये ऐसा नेचर है ना, जैसा नेचर होगा वैसा फ्यूचर होगा। नेचर अच्छा होगा तो फ्यूचर अच्छा होगा, और नेचर खराब होगा तो फ्यूचर भी तेरा खराब। नेचर अच्छा बनाओ, व्यवहार अच्छा बनाओ। किसी को मिठाई नहीं खिला सकते, कोई बात नहीं, लेकिन मीठे दो शब्द तो बोल सकते हो ना। उसके लिए तो बाजार में जाने की जरूरत नहीं पड़ा करती है। किसी को यदि मीठा शरबत ना पिला सको तो मीठा व्यवहार तो उसके साथ कर सकते हो ना। मीठा बोल करके जीवन की बहुत उपलब्धियां। आज मेरे पीछे इतने लोग क्यों आते, चलो आज तो मैं जंगल में बैठा हूं, आपने देखा आपके शहरों में आए पब्लिक भागी आती है, 2 मिनट दर्शन करा दो, दर्शन करा दिए तो उसका मन होता है 2 मिनट महाराज के पास बिठा दो, बिठा दिया तो अब क्या मन होता है, 2 शब्द महाराज मुझसे बोल ले, मैं क्या दूंगा, रुपया पैसा दूंगा क्या, मेरे पास रुपया नहीं पैसा नहीं, क्या दूंगा बदले में, मैं तुम्हें 2 प्यार के मीठे बोल बोल देता हूं। जीवन उनको लगता है आज हमारा सार्थक हो गया, धन्य हो गया। क्या नेचर अच्छा रखो, दुनिया अपने पीछे पीछे आएगी। दीपावली थी और चेतन जी के यहाँ सूचना पहुंचाई मैंने कि बहुत बहुत आशीर्वाद, उनके मुख से क्या निकला, आज मेरी दिवाली सार्थक हो। मैंने क्या दे दिया, रुपए दे दिए, पैसा दे दिया, माल दे दिया, नहीं, प्रेम के 2 शब्द बोल दिए। उनने कहा, महाराज आज हमारी दीपावली शुभ दीपावली हो गई। और क्या है संसार में, रुपया पैसा तो वेश्या के पास भी होता है, लेकिन कौन उसकी कद्र किया करता है। ध्यान रखना, पैसे से सब कुछ नहीं होता जीवन में, रुपए से सब कुछ नहीं होता है, व्यवहार हमारा बहुत मधुर होना चाहिए, इतना मीठा होना चाहिए कि ध्यान रखना सामने वाला आपको याद करे। ऐसा ना करे कि कोई ऊपर चला गया, अच्छा था धरती का बोझ चला गया, टेंशन का, जब तक जिया रोज परेशान किया, दिन भर उलाहने आते थे, दिन भर शिकायतें आती थी, आज गया आज छाती ठंडी पड़ी, अब ये तुम्हारी कोई जिंदगी है क्या। नहीं, ऐसा जीवन तुम जाओ तो लगे बड़ा खाली खाली लग रहा है, बड़ा सूनापन लग रहा है, तुम्हारे बिना हमारा चित्त नहीं लग रहा है, तुम्हारी ही याद
यादें हमें आ रही हैं, ऐसा व्यवहार बना लोगे तो जीवन तुम्हारा सार्थक और सफल हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। यही मैं आपसे कह रहा हूं, यह महाअर्चना विधान के माध्यम से ऐसा पुण्य संचित करो, ऐसा संकल्प करो, हम अपने जीवन में कुछ बनाएंगे, हम अपने जीवन को कुछ सार्थक। ध्यान रखना, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी 100 काम कर, किसी की 1 वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता है, क्या जो दिक्कत है। आज है, आज अपन यहां पर है, संकल्प करो कुछ करके जाएंगे समाज के लिए, संकल्प करो कुछ करके जाएंगे अपने धर्म के लिए। फालतू के पंचायतों में क्यों पड़े रहते हो, सड़ी सड़ाई सी बातों में क्यों पड़े रहते हो, ये अनुकूलता नहीं वो प्रतिकूलता है, वे ऐसा है वो वैसा है, इसमें जिंदगी गंवा दोगे, इसमें ही अपना जीवन बर्बाद कर दोगे, क्या मतलब है ऐसा जीवन जीने से। पशु नहीं घास खाते खाते एक दूसरे को सींग मार देते हैं, वही जिंदगी हमारी हो गई है, बैठे बैठे लड़ पड़ेंगे, बैठे बैठे झगड़ पड़ेंगे, छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना लेंगे, ऐसी जिंदगी मत जिए, आनंद के साथ जीवन जियो। हकीकत में मैं कहूं तो धर्म का असली फल सुख है, धर्म का असली फल शांति है, धर्म का असली फल आनंद हुआ करता है, ऐसा आनंद। एक शादी से लौटते हो तो कहते बड़ा आनंद आया, एक पार्टी से लौटते हो तो कहते बड़ा आनंद आया, मंदिर से लौट के क्यों नहीं निकलता बड़ा आनंद आया, पूजा पाठ से लौट के क्यों नहीं निकलता खूब मजा आया, खूब आनंद आया हमारे जीवन में। अरे आनंद से करो तो आनंद मिलेगा, ध्यान रखिए, मेरे पास आनंद से बैठोगे, आनंद लेकर के जाओगे जीवन में, ऐसा जीवन बनाओ। क्या बटोरना है हमें, गए हो सुबह सुबह बगीचे में, कांटे नहीं बीनना है, फूलों को चुन चुन करके लेके आना है, कांटे लेकर आओगे तो चुभन साथ में लाओगे और फूल चुन कर लाओगे तो सारा घर महका दोगे, जीवन आनंद से भर जाएगा आपका। सोचना, एक सोच है और कुछ नहीं है, सुख दुख क्या है, एक सोच है और क्या है, एक सोच ही तो है। अभी आप सीरियस हो जाओ, मूड खराब कर लो अपना, बुरा लगने लगेगा, अभी आप आनंदित हो जाओ, बहुत अच्छा लगने लगेगा, ये क्या है, भीतर का जो बैठा हुआ मन है ना, वो जो सोचता है वैसा लगने लगता है। ये शरीर की गाड़ी तो मन के ड्राइवर से चला करती है, मैं सोच लूं यार अब तीर्थ पर बोर हो गया, अब तो मुझे मन नहीं लग रहा, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा, अब जैसा सोचोगे तो वैसा ही वातावरण निर्मित हो जाएगा। एक आकर्षण का नियम होता है, हम जैसा सोचते हैं ना वैसे ही वाइब्रेशन हमारे पास आना शुरू हो जाते हैं। यदि आप उदासी सोचोगे ना और बाजू में कोई गाना बजा रहा है तो आपको किशोर कुमार पसंद नहीं आएगा, आपको वही रोते हुए मुकेश के गाने अच्छे लगेंगे, टूटे हुए दिल के गाने अच्छे लगेंगे, क्योंकि मन टूटा है भीतर से, ध्यान रखना। और यदि मन आनंद से भरा है तो झूमने वाले गाने बहुत अच्छे लगेंगे, आप वैसे ही पुस्तक उठाएंगे, आप वही सर्च करेंगे मोबाइल पर, दुखी हैं तो दुखी दुख की फाइलें खोलते जाएंगे, सुखी हैं तो आनंद आनंद की फाइल। कौन दे रहा है सुख दुख, हम खुद बुला रहे हैं। एक व्यक्ति बोला यहाँ मच्छर बहुत हैं, बहुत काटते हैं, मच्छरों का बेड़ा गर्क हो जाए। मैंने कहा मच्छर की क्या गलती है, मच्छर तो आएगा। बोले वो क्यों आएगा, हमने कहा इसलिए वो नहीं आता है, हम बुलाते हैं उसको। हमारे शरीर में ऐसी गंध होती है कि मच्छर को खींच करके उस गंध के पास आना पड़ता है। दोष किसको दे रहे हैं, मच्छर को, गंध किससे आ रही है, तुम्हारे शरीर से, तुमसे ही तो वो आकर्षित हो रहा है, वो थोड़ी आ रहा है तुम्हारे पास। जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ला बने, अच्छे मेवा मिष्ठान बने तो तुम्हारी नाक वहां जाती है और धीरे धीरे तुम भी वहां पहुंच जाया। मच्छर का तो भोजन है ये शरीर, भोजन के पास कौन नहीं जाना चाहता है। विचार करिए, सोचिए, हम जो भी हैं खुद ही आकर्षित करते हैं वातावरण को अपनी तरफ। यदि आप प्रसन्न हैं तो प्रसन्नता के वातावरण आएंगे आपके चारों तरफ, वैसे ही उदाहरण आपको अच्छे लगेंगे, वैसे ही जोक आपको अच्छे लगेंगे। उदास मन है कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या मतलब है ऐसी जिंदगी का। ध्यान रखिए,
खूब आनंद में जियो, प्रसन्नता में जियो। चार दिन की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, आज सुबह उठे कल चले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। ऐसा जीवन, ऐसी जिंदगी बना लो। मैं बहुत कम उदास, मेरे नेचर में ही नहीं है। मेरे पास यदि कोई 5 मिनट बैठा है तो हंस के ही जाएगा उठ करके, उदास और रोता हुआ तो जाए नहीं, मेरे नेचर में नहीं है। लोग कहते हैं आप संत हैं, आपको सीरियस रहना चाहिए। जाओ जिसको सीरियस रहना सीरियस लोगों के पास। मेरी जिंदगी में सीरियस पना है ही नहीं, मेरी जिंदगी में तनाव है ही नहीं, मेरी जिंदगी में टेंशन है ही नहीं। कभी होते हैं आते हैं और चले। अरे आप लोग तो बड़े बड़े श्रावक हो, हमारे ये स्टाफ के लोग भी 10 मिनट बैठ जाए तो मेरे कमरे में ठाके ही लगा के उठते। मेरा पसंद ही नहीं है उदास रहना, शिकायत करना, ये करना। क्या मतलब है अपनी जिंदगी जो चंद सांसें मिली हैं पूरे आनंद के साथ जिएंगे। अरे धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे। हंसता हुआ आदमी कसाय नहीं, जो कसाय करता उसके चेहरे पर हंसी नहीं आया करती है। प्रसन्न चित्त रहो, चेहरे में आनंद रहेगा। क्या रखा है मुंह लटकाने में? एक बोले महाराज तो बड़े ऐसे धीर भीर गंभीर सीरियस होना चाहिए। अरे काय को होना चाहिए, मेरा बाप मर गया जो मैं मुंह लटका करके बैठूं, मुझे क्या, मर गए तो मर गए, मुझे क्या लेना देना है? मेरे पिता तो भगवान ऋषभ देव है, मैंने कभी उनकी मूर्ति को उदास नहीं देखा है। मेरे पिता तो भगवान महावीर है, मैंने हमेशा उनके चेहरे पर मुस्कुराती हुई प्रतिमा को देखा। एक भी तीर्थंकर सीरियस देखा, एक भी तीर्थंकर उदास देखा? जब मेरे माँ बाप ही आनंद में है, हम काय को मुंह लटका करके बैठेंगे? आनंद के साथ जियो, सुगंधित हो जाए वातावरण हमारे चारों तरफ का। एक बार हम और तरुण सागर जी साथ साथ थे, 3 साल हम उनके साथ रहे। हम लोगों ने इतना अच्छा सिस्टम बना रखा था कि देखो कहने को साथ होते हैं, ये लोग भी हमारे साथ हैं, लेकिन दिन भर थोड़ी मिलते हैं। कभी अभी मिल रहे हैं क्योंकि पाठ चल रहा, वरना सुबह शाम मिलते हैं, वो अपने कमरे में और हम अपने कमरे में हैं। दिन भर तो गुरु से मुलाकात होती नहीं। तरुण सागर जी हम दोनों थे दिल्ली में, पहली बार मैं उनके साथ गया। तो जैसे ही वहां पर पहुंचा, एक बात उन्होंने कही कि महाराज अपन दोनों 2 बार ही तो मिलते हैं, सुबह शाम और या फिर प्रवचन में कभी मिल जाते हैं, क्या करें महाराज? बोले आनंद से जिएंगे जितने दिन हमें रहना है, कोई जिंदगी भर किसी के साथ नहीं रहता है, जितने दिन जीना आनंद से। क्या करें महाराज? बोले अपन शाम की सामायिक जब करेंगे ना, तो अपन लोग एक साथ बैठ करके सामायिक करेंगे। हम लोग एक साथ सामायिक करते थे, 2 ब्रह्मचारी थे हम, 2 महाराज थे, 4 लोग एक कक्ष में बैठ के सामायिक करते थे। सामायिक का समय यदि 7:30 का है तो हम लोग 8:30 बजे सामायिक करते थे। बोले क्यों? मैंने कहा महाराज लेट क्यों कर रहे? बोले देखो तुम गुस्से में, मैं गुस्से में, और आंख बंद करके बैठ जाओ, यहां भी होली जल रही और वहां भी होली जल रही है, आधे घंटे अपन खूब हंस लेंगे, खिलखिला लेंगे, मुस्कुरा लेंगे, दिन भर का तनाव खत्म हो जाएगा, फिर भगवान का नाम बड़े आनंद के साथ लेंगे। बहुत सामायिक है जीवन में, मन में लगा है, उसने ये कहा, उसने वे कहा, हम मुंह बनाए, वो मुंह बनाए, यहाँ होली जल रही, वहां होलिका जल रही है, मतलब क्या है उससे हमारी जिंदगी का? हम लोग कभी 3 साल में जिनेंद्र भगवान के दरबार पे बैठकर बोल रहा हूँ, हम दोनों साधुओं के कभी मन मुटाव हुए ही नहीं, इतना एक दूसरे की भावनाओं को समझते थे। कभी उनने कुछ कह दिया, हमने आनंद में उड़ा दिया, कभी हमने उनसे कुछ कह दिया, उनने आनंद में उड़ा दिया, 2 मिनट कुछ हुई फिर बोलने लगे, आनंद के साथ रहने लगे। वो मुझसे अक्सर कहते थे, आज उनका स्मरण हो रहा है, कि अपन ग्रस्त थोड़ी है कि बोलचाल बंद करेंगे, अपन रागी देसी थोड़ी है कसाय भाव करेंगे, अपन साधु हैं। उस दिन से मैंने तरुण सागर जी महाराज को मान लिया। लोग भले उनको कुछ भी कहते रहें, मैं कहता था कि लोग दुनिया में कुछ भी बोलते रहें, तरुण सागर ऐसे, तरुण सागर वैसे, लेकिन उनका जब मैंने अंतस को पढ़ा, हृदय को देखा, तो मुझे लगा कि सच्चा संत कोई है तो तरुण सागर महाराज सच्चे संत हैं, क्योंकि वो कसाय नहीं करते हैं, वो राग देश नहीं करते हैं, वो बड़े आनंद के कसाय करे, वो काय का साधु
वो तो कसाई आदमी है, ध्यान रखना। आनंद से हम लोग कभी नहीं झगड़े। जब हम दोनों को गुरुजी ने अलग किया, उनकी भी आंख में आंसू थे और मेरी भी आंख में आंसू थे। गुरु आज्ञा से अलग अलग होना पड़ा। तुम अलग विहार करो, तुम अलग विहार करो। फरीदाबाद का किस्सा है, बहुत रोए तरुण सागर जी। बोले तुम जा रहे हो, तुम्हारे जैसा साथी मिलने वाला नहीं है। मैंने कहा मुझे भी आपके जैसा अग्रज मिलने वाला नहीं है। इतना प्रेम, एक समय वह था तरुण पुलक की जोड़ी जानी जाती थी। हर कोई राम भरत जैसा याद किया करता था। वो पल मैं आज याद कर रहा हूं, महाराज यहां नहीं है, लेकिन जो गुजारे हुए पल हैं वो याद आ रहे हैं ना। तो ऐसा ही अपना जीवन मनाओ। जब जब उनका चेहरा मुझे दिखता है सामायिक में, अकेले में, उनकी दी हुई बातें मुझे बहुत याद आती हैं। उन्होंने कहा महाराज अपने को ज्यादा गंभीर दिखावटी महाराज नहीं बनना है, अपन को नेचुरल बनना। जो अंदर है वो बाहर है, और जैसे अपने में है वैसे दूसरों के लिए है। ये सूत्र, ये जीवन को हल्का जीवन जीने के साधन है ये। क्यों जीवन को भारी करके जीना, जीवन को हल्का बना करके जियो, आनंद के साथ जियो। जीवन वही महाअर्चना है, वही पूजा है, वही धर्म है। आप देख लेना, जितने सब मेरे से परिचित हैं, कि कहीं भी हम जहां भी जाएं, कहीं भी जाएं, हमको वो ढोंग वोंग तो बिल्कुल पसंद नहीं, कि बाहर मुंह में राम राम मंगल में छुरी, ये वाला काम है ही नहीं। दिन भर, आज बारामती में चतुर्मास हुआ था, बारामती के लोग आज भी कहते हैं कि जैसा चतुर्मास हुआ ना पहले हुआ ना उसके बाद, अभी तक वैसा चतुर्मास। क्यों हम हिलते मिलते हैं, गुलते। ये बच्चे हम लोग के आगे पीछे मानस आनस छोटे छोटे थे, डेली आहार में जाना, पीछे जाना, महाराज के साथ रहना, धोती दुपट्टे पहनना, एक क्या है, एक प्रेम, एक लगाव, एक वात्सल्य। घरों में इनको चैन नहीं पड़ती थी, चलो महाराज के पास चलते, सुबह चलते, शाम चलते, जहां गए पीछे पीछे चलना। ये क्या है, ये प्रेम है। स्निग्ध हमारा व्यवहार होना चाहिए, रूक्ष व्यवहार नहीं होना चाहिए, तो हमारा संतत्व भी कायम रहता है, आपका धर्म कायम रहता है। आप सब इतना दूर दूर से यहाँ पर आए हैं अपनी आस्थाओं को लेकर के, मैं अपने बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप सबका जीवन बड़े आनंद की पर्याय, बस कुछ मत करना, मंदिर में जाके भगवान को देखना, विश्व की सभी दिगंबर प्रतिमाएं हंसती और मुस्कुराती रहती हैं। वो यही कहती हैं, ऐसे ही जियो तो कर्मों का बंद नहीं। यही तपस्या, यही साधना है। अपने जीवन को जिए, सार्थक करें। अब समय की अपनी सीमा है, और एक छोटी सी सूत्र, छोटी सी बातें जो मैंने आपको कही हैं, सोचना, विचार करना। काम की हो तो रख लेना, बेकाम की हो तो यहीं जिन शरणम में डाल जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आनंद के साथ अपनी जिंदगी को जीना। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। सारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता।